आज के इस वीडियो में तमाम अदाकारों की ईद के दूसरे दिन की खूबसूरत से तस्वीर और वीडियो शेयर करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तमाम अदाकारों ने ईद का पहला दिन काफ़ी शानदार धूमधाम अंदाज से मनाया। तमाम अदाकारों की ईद के पहले दिन की तस्वीर और वीडियोस को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। मगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि तमाम अदाकारों ने ईद का दूसरा दिन आखिर कैसे मनाया। सबसे पहले फलक शब्बीर और सारा खान की बात करें तो बताते चले, ईद के पहले दिन सारा खान ने पिंक कलर का और फलक शब्बीर ने स्काई कलर का कुर्ता पहना, जबकि अलियाना फलक सोती रही। ईद के दूसरे दिन सारा खान, फलक शब्बीर, अलियाना फलक तीनों ने एक जैसा लिबास पहना। सारा खान स्किन कलर के खूबसूरत सा फ्रॉक पहने और फलक शब्बीर स्किन कलर का कुर्ता पहने नजर आए, जबकि दोनों इस ड्रेस में काफी खूबसूरत भी लगे। अलियाना फलक की ये पहली ईद थी। अलियाना फलक को भी सारा खान ने खूबसूरत सा फ्रॉक पहनाया और व्हाइट गजरे भी पहनाए और अलियाना फलक भी काफी हसीन लगी। मगर आप लोगों को सारा खान और फलक शब्बीर की ईद के दूसरे दिन की लुक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आयशा खान, ईमन मिनाल की ईद के दूसरे दिन की बेहद खूबसूरत होश उड़ा देने वाली तमाम तस्वीर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद अगर पाकिस्तान की बेहद खूबसूरत अदाकारा सबूर अली और अली अंसारी की बात करें तो बताते चले, सबूर अली और अली अंसारी की शादी के बाद ये पहली ईद थी और इन्होंने इस ईद को काफ़ी धूमधाम अंदाज से मनाया, जबकि सजो अहद की तलाक की वजह से सजल ने तो इस ईद पर नए कपड़े भी नहीं पहने। सबूर अली ने ईद के पहले दिन रेड कलर का ड्रेस पहना और मुंह दिखाई में मिलने वाला सोना पहने तैयार हुए, जबकि ईद के दूसरे दिन काफी खूबसूरत सी येलो फ्रॉक पहने नजर आई। अली अंसारी ने ब्लैक कलर का कुर्ता पहना। सबूर अली को ईद के दूसरे दिन अली अंसारी ने 5 लाख ईदी दी। सबूर अली और अली अंसारी की ईद के दूसरे दिन की तस्वीर आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बेहद खूबसूरत मशहूर अदाकारा यमुना ज़ैदी की बात करें तो यमुना ज़ैदी ने ईद के पहले दिन स्किन कलर का फ्रॉक पहना, जबकि ईद के दूसरे दिन यमुना ज़ैदी स्काई कलर का ड्रेस पहने नजर आई। यमुना ज़ैदी स्काई कलर के ड्रेस में काफ़ी हसीन भी लगी। यमुना ज़ैदी ने ईद के दूसरे दिन काफ़ी अनोखे तरीके से बाल बनाए, जिन्हें कुछ लोगों ने काफ़ी पसंद किया और कुछ ने काफ़ी तनकीद भी की। मगर आप लोगों को यमुना ज़ैदी के ये बाल कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि यमुना ज़ैदी की ईद के दूसरे दिन की लुक आप लोगों को आखिर कैसी लगी। उसके बाद अगर पाकिस्तान की बेहद खूबसूरत मशहूर अदाकारा इकरा अज़ीज़ की बात करें तो बताते चले, इकरा अज़ीज़ के अपने बेटे के साथ ये पहली ईद थी। इकरा अज़ीज़ के बेटे ने ईद के दोनों दिन अपने वालिद यासर हुसैन के साथ ट्विनिंग की। ईद के पहले दिन इकरा अज़ीज़ ने स्काई कलर का ड्रेस पहना, जबकि ईद के दूसरे दिन रेड कलर का जोड़ा पहने नजर आई। आप लोगों को इकरा अज़ीज़ की ईद के कौन से दिन की तस्वीर और लुक ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अगर पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा कुबरा खान की बात करें तो कुबरा खान ने ईद के दूसरे दिन व्हाइट जोड़ा पहने तमाम अदाकारों को पीछे छोड़ दिया। कुबरा खान के इस लुक को तमाम लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। अगर पाकिस्तान के मशहूर अदाकार जोड़े बिलाल कुरैशी और रूसा बिलाल की बात करें तो बताते चले, बिलाल कुरैशी और रूसा बिलाल ने हमेशा की तरह ईद के दोनों दिन अपने बच्चों के साथ ट्विनिंग की। ईद के दूसरे दिन रूसा बिलाल ने व्हाइट और ग्रीन जोड़ा पहना, जबकि बिलाल कुरैशी ने व्हाइट जोड़ा पहना और बच्चों ने ग्रीन जोड़ा पहना। अगर पाकिस्तान की बेहद मशहूर और खूबसूरत अदाकारा हदीका क्यानी की बात करें तो हदीका क्यानी ने ईद के दूसरे दिन अपने जवान बेटे के साथ खूबसूरत सी तस्वीर शेयर करके सबको शॉक कर दिया। हदीका क्यानी ने ईद के दूसरे दिन स्काई कलर का ड्रेस पहना, जिस पर काफी खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी, मगर तमाम लोगों ने हदीका क्यानी के बेटे को पहली दफा सोशल मीडिया पर देखकर ज्यादा पसंद किया। आप लोगों को हदीका क्यानी के अपने बेटे के साथ ईद के दूसरे दिन की तस्वीर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।